For more videos, please subscribe, like and share. नवरात्रि का दूसरा दिन अर्थात ब्रह्मचारिणी का दिन, देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे नवरात्रि में जैसा कि कहा जा चुका है, नव दुर्गा का विग्रह है ब्रह्मचारिणी और अनुग्रह है महालक्ष्मी। अतः महालक्ष्मी की महिमा स्वयं सिद्ध हो जाती है। श्री दुर्गा सप्तशती के पांचवें अध्याय के 56वें श्लोक में कहा भी गया है, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्से 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार। महिषासुर नामक दैत्य का वध करने के लिए ही महालक्ष्मी का अवतरण हुआ। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय में महिषासुर की सेना का वध और तीसरे अध्याय में महिषासुर वध का वर्णन है। इस प्रकार माता महालक्ष्मी ने महिषासुर को मार कर अधर्म का नाश किया तथा देवताओं और स्वर्ग की रक्षा की। कथा का सारांश यह है कि महिषासुर, जो कि भैंसे जैसा राक्षस दिखता था, उसने स्वर्ग पर अधिकार के लिए देवताओं से युद्ध किया। देवता परास्त होने लगे, तब वे श्री विष्णु की शरण में गए। विष्णु और शंकर के तेज से महालक्ष्मी का अवतरण हुआ। महालक्ष्मी ने महिषासुर का वध कर दिया। वर्तमान में इसका अर्थ यह है कि जब नारी शक्ति के रूप में महालक्ष्मी ने देवताओं की रक्षा की, तो हमें अपने घर में बेटियों, बहुओं, बहनों और माताओं को आदर देना चाहिए। भक्ति के भाल पर तेजस्विता का तिलक है नवरात्र। सनातन हिंदू धर्म में आराधना की अपनी पद्धति और साधना की अपनी शैली है। मातृशक्ति की स्तुति की आकृति है नवदुर्गा और प्रस्तुति की पेड़ी है नवरात्र। दूसरा नवरात्र इस संदर्भ में देवी की शक्ति और भक्तों की भक्ति की रवानी को रेखांकित करता है। देवी द्वारा दुष्टों के दलन की कहानी को भी चिन्हित करता है। दूसरा नवरात्र दरअसल देवी नवदुर्गा के विग्रह रूप को ब्रह्मचारिणी मूर्त में अभिव्यक्त करता है, जबकि अनुग्रह स्वरूप को महालक्ष्मी की महिमा में बतलाता है। नवदुर्गा की मातृशक्ति के रूप में व्यक्ति के पीछे भावना यह है, मां संतान के प्रति स्नेहल तो होती ही है, सरल और सदा सुलभ भी होती है। परिवार के उदाहरण से इसको आसानी से समझा जा सकता है। पिता और माता, जिसके दो महत्वपूर्ण ध्रुव होते हैं। परिवार में प्रायः पिता की पोथी में अनुशासन के अध्याय होते हैं, जबकि माता की किताब में स्नेह की स्याही से अंकित आत्मीयता के अक्षर होते हैं। तात्पर्य यह है कि माँ संतान की पुकार सुनकर तुरंत पसीज जाती है। इसीलिए मातृशक्ति के रूप में जब देवी की भक्ति और आराधना की जाती है, तो माँ होने के कारण देवी तुरंत पसीज कर रक्षा करने चली आती है, क्योंकि माँ का कार्य ही संतान का पालन और रक्षा करना है। महाभारत के शांति पर्व के 226वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा गया है, संतान समर्थ हो या असमर्थ,
दुर्बल हो या हृष्ट पुष्ट, माता उसका पालन करती है। माता के सिवाय कोई दूसरा विधि पूर्वक संतान का पालन नहीं कर सकता। नव दुर्गा का यह रूप बहुत ही खूबसूरत और ममतामयी है। बोलो जय दुर्गा मैया की।